बड़ी खबर आपको बता दें जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। शेतकारी स्वाभिमान संगठन की अगुवाई में किसान संगठनों ने मुंबई और पुणे सहित महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों में आज से दूध की सप्लाई रोकने का ऐलान किया है। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार दूध की खरीद पर 5 रुपए की बढ़ोतरी करे, उसे सीधे किसानों के खाते में भी डाले। अपने इस मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन कल से ही शुरू हो गया है। कई जगह पर किसानों ने टैंकर से दूध गिरा दिया, सड़कों पर बहा दिया तो कुछ जगह टैंकर में आग लगाने की कोशिश की। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं पुणे की है, जहां प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क पर दूध फेंक दिया है। किसानों का कहना है कि उनसे तो दूध 17 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाता है और प्रोसेस करने के बाद उसी दूध को 42 रुपए प्रति लीटर बेच दिया जाता है। ऐसे में किसानों को और फायदा मिलना चाहिए। मांग ये है कि कर्नाटक सरकार प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी देती है। गोवा और केरल में ये दर प्रति लीटर 8 रुपए है। ऐसे में महाराष्ट्र के किसानों को दूध सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती? हमारे किसानों को भी सब्सिडी का अधिकार है जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। इसी मांग के साथ ये प्रदर्शन कल से शुरू हो गया है और ये ऐलान किया गया था कि आज मुंबई पुणे समेत कई बड़े शहरों में दूध की सप्लाई नहीं होगी। महाराष्ट्र में किसानों ने सड़क पर दूध क्यों फेंका ये भी आपको बता देते हैं, उनकी मांगे क्या क्या है ये भी जान लीजिए। महाराष्ट्र में शेतकारी स्वाभिमान संगठन के नेतृत्व में दूध की सप्लाई रोकने का यह ऐलान हुआ है। संगठन की मांग है कि सरकार दूध की खरीद पर 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दे। किसानों का तर्क यह है कि 17 रुपए प्रति किलो दूध खरीदा जाता है, 42 रुपए में बेचा जाता है, तो फायदा ऐसे में उनको भी मिलना चाहिए। किसानों की मांग है कि कर्नाटक, केरल और गोवा की तरह दूध पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो अगर किसानों ने दूध की सप्लाई रोक दी, मुंबई में दूध की किल्लत हो सकती है। मुंबई में अमित कोटेचा मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट। मुंबई में आज 16 जुलाई यानी सोमवार से दूध की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, ऐसा निर्णय दूध के किसानों ने लिया हुआ है। दूध के किसान आज मोर्चे पे जाएंगे, जिन्होंने उसमें ऐसा निर्णय लिया हुआ है कि आज से दूध की सप्लाई मुंबई में बंद कर दी जाएगी। ये दरअसल हड़ताल पे जा रहे दूध के सप्लाई। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे इस वक्त दूध के दुकानदार मेरे साथ मौजूद है। सर आपका नाम? लाल बहादुर गुप्ता। सर आप यहाँ पे कितने साल से दुकान में? 23 साल। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या दूध की सप्लाई आई है आपको आज के दिन? आज आया है, कल का नहीं बता सकता, आएगा कि नहीं आएगा, कल का आएगा कि नहीं कुछ बता नहीं सकता। अगर नहीं आया तो क्या दूध के दाम में फर्क गिरेगा? अब उसके बारे में तो नहीं बता सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल आज के लिए तो उनके पास दूध मौजूद है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आज जैसे कि किसानों ने कहा है दूध की सप्लाई नहीं आएगी तो दाम हो सकता है बढ़ भी सकते हैं। दरअसल किसानों की मांग है कि उन्हें जो सब्सिडी दी जाए वो सब्सिडी 5 रुपए तक मिलनी चाहिए, और दूसरी मांग ये है कि उनका जो दूध उत्पादन किया जाता है उसके लिए सही दाम दिया जाए। मौजूदा परिस्थिति में किसानों से 17 से 20 रुपए में दूध खरीदा जाता है, जबकि दुकानों में आकर आप देख सकते हैं कि 50 से 64 रुपए में दूध बेचा जाता है। कैमरामैन वैभव जाधव के साथ अमित कोटेचा, जी मीडिया, मुंबई।